अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। चाहिए मैं संभालता हूं उनको। नहीं सुरेश, मैं से पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता। इन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम दोनों मारे गए तो मिशन मिशन कामयाब नहीं होगा सर। और इनको पकड़ेगा कौन सर? तुम एक काम करो, यहां से वो सामने वाले घर में जाओ, ठीक है? ओके सर। ये लोग तुम्हारे पीछे भागकर वहीं आएंगे, बस इतनी देर में मैं अपना काम कर दूंगा। ओके सर। संभल कर जाना। ओके सर। चलो वो रहा पकड़ो। प्रद्युमन, अगर मैं मर गया तो मेरा मिशन तुम पूरा करना। अगर अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा मेरे दोस्त। मोहल्ले की खबरी को गरम कर दो, उनके पैसे बढ़ाओ, उनके कहो कि पल पल की खबर चाहिए हमें। क्या बात है सर, कुछ गड़बड़ है? बहुत बड़ी गड़बड़ है दया, शहर में लोग घुस आए, कुछ तबाही मचाने वाले हैं। अभी इन्फॉर्म करता हूँ सर। हाँ सर। हाँ जल्दी से चलिए सर। कहा? अरे सर, वहाँ पे आपके लिए कोई एक स्पेशल लेटर छोड़ के गया सर। स्पेशल लेटर दिखाओ। ये देखिए सर। प्रद्युमन सीआईडी मुंबई। ये लेटर ब्यूरो में कहां से आया? कौन लेकर आया? तुम थे ना यहाँ पर? मालूम नहीं सर। अरे पता कैसे नहीं फ्रेडी, तुम बैठे थे ना इधर, खोल के देखा तुमने? नहीं सर, ये आपके नाम का एनवेलप है, इसके लिए नहीं खोला सर। ये एनवेलप ये खून से लिखा हुआ है सर। हाँ खून से क्यों लिखा है मेरा एड्रेस? सर खोल के देखो अंदर क्या है। देखो जरा। Thank you.
सो लगता है अंदर कुछ और ही है। अंगूठी जैसा कुछ है सर। अंगूठी देखो तो। सिरे तो वाकई अंगूठी। विजय। विजय कौन सर? यार विजय मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो भी पुलिस फोर्स में गोवा में, और ये अंगूठी तो मैंने उसे ही दी थी। तो फिर उन्होंने ये अंगूठी आपको वापस क्यों भेजी? और इस पे ये खून से क्यों लिखा है? भाई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर अंगूठी भेज के हो सकता है कुछ कहना चाहते हो आपसे? हो सकता है। सर मुझे लगता है कि उनकी जान को खतरा है, या फिर उनका खून हुआ है सर। चुप रहो फ्रेडी, अच्छी बात तो निकालो मुंह में से। फोन करके देखता हूं उसे। क्या हुआ सर? पता नहीं समझ में नहीं आता फोन बंद करके क्यों रखा है। तो उनका कोई दूसरा नंबर नहीं सर? उसकी बीवी का नंबर है। हेलो प्रद्युमन, बोलो कैसे हो? यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मगर श्वेता सब ठीक है ना वहाँ पर? हाँ बिल्कुल। ये विजय कहाँ? पता नहीं, दो दिन हो गए कोई खबर नहीं है उनकी। दो दिन हो गए कुछ खबर नहीं? तुमने पता नहीं किया कहाँ गया है वो? बहुत जगह पूछा लेकिन कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे ये क्या बात हो गई? अच्छा कब गया है वो घर से? दो दिन पहले किसी जरूरी केस के चक्कर में बाहर निकले थे, कोई अर्जेंट केस था बोला, तभी से आज तक वापस ही नहीं लौटे। फोन कर रही हूँ, फोन भी बंद आ रहा है। तुम्हें कुछ पता है? श्वेता अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? लेकिन प्रद्युमन आज अचानक विजय के बारे में क्यों पूछ रहे हो? श्वेता देखो विजय ने मुझे वो अंगूठी भेजी है। अब वो अंगूठी जो मैंने उसे दी थी तुम दोनों की शादी में, और वो भी एक एनवलप में जिस पर खून से मेरा नाम और पता लिखा है। हे भगवान, प्रद्युमन कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? श्वेता रो मत प्लीज। देखो चिंता मत करो, विजय को कुछ नहीं हुआ होगा। बस मुझे चिंता हो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। प्रद्युमन मैं बहुत टेंशन में हूँ। श्वेता घबराओ मत, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा विजय को, समझी? मैं आ रहा हूँ। मैं अभी के अभी गोवा जा रहा हूँ, लगता है विजय किसी मुसीबत में है। सर हम लोग भी चलते हैं आपके साथ में। और यहाँ का काम कौन देखेगा दया? इतने सारे केसेस पड़े हैं। देखो मैं तुम्हें फोन करते रहूंगा। सर आप अकेले कैसे जा सकते हैं? सर कदम कदम पे दुश्मन है आपके। दया मैं वहाँ एसीपी प्रतिभा नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से जा रहा हूँ, दोस्त की हैसियत से, ये देखने के लिए कि वहाँ पर हुआ क्या है। और अब तक ये भी हमें पता नहीं कि विजय को कुछ हुआ है। फिर भी सर। नहीं फ्रेडी, मुझे गोवा जाना ही है। बेटा चलो चलते रहना। क्या बात है, घर में बहुत टेंशन है? हाँ प्रद्युमन, लगता है घर पे कुछ लोग निगाह रखे हुए हैं, खतरा है, बहुत ही डर लग रहा है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। विजय के बारे में कुछ पता चला? नहीं कुछ पता नहीं चला, ना कोई फोन ना कोई खबर। ऑफिस वालों को भी नहीं मालूम? नहीं उन्हें भी कुछ पता नहीं है। प्रद्युमन मुझे लगता है विजय को कुछ हो गया है। श्वेता ऐसा नहीं करते, देखो घबराओ मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं ढूंढ कर लाऊंगा विजय। अच्छा ये बताओ विजय ने ऐसा कुछ बताया तुम्हें कभी किसी केस पर वो जो काम कर रहा है उसके बारे में? हाँ मैं उस केस की फाइल लेके आई हूँ। ये तो पुरानी केस है, हाल ही में किसी केस पर वो काम कर रहा है क्या? कह रहा था कि कुछ ड्रग का धंधा करने वाले लोग हैं, पूरी गैंग को पकड़ना है। ड्रग्स वाले? अच्छा कुछ नाम बताया उसने? कुछ बाहर के लोग हैं ये, मतलब बाहर के देश के,
कुछ जॉर्ज कार्लोस करके। जॉर्ज कार्लोस? क्या विजय ने बताया वो कहाँ किसी को मिलने आता है, कहाँ जाता है? कोई म्यूजिक वाले शिप का इंतजार कर रहा था, तीसरे दिन आने वाली थी कह रहा था। तीसरे दिन मतलब आज है? हाँ, आज रात को। कहाँ पर? पंजम रिवर। पंजम रिवर म्यूजिक शिप। गोवा में आए हैं और हाथ में ड्रिंक नहीं? आज मूड नहीं है। क्यों? रोज रोज पीना। हाँ, वो तो है। कभी आए यहाँ पे? एक दो दिन पहले। सोचा जरा शाम को थोड़ा म्यूजिक हो जाए इसलिए। अकेले आए कि कोई साथ में आए? अकेले ही आया। ये लो, गोवा में अकेले? नहीं, वैसे एक दोस्त आने वाला था मगर आया नहीं अब। कौन? कार्लोस नाम है उसका। कार्लोस? हाँ, कार्लोस। क्या हुआ? कुछ नहीं। कार्लोस का नाम सुनते ही भागे क्यों? जानते हो कार्लोस को? कार्लोस के दोस्त के साथ खड़ा रहना ही गुनाह है। क्या किया कार्लोस ने तुम्हारा? तुझे बर्बाद कर दिया। अभी कहाँ है कार्लोस? आपको तो पता ही होगा, आप उसके दोस्त हैं। कार्लोस इस वक्त कहाँ है मालूम है तुम्हें? हाँ, जानता हूँ। ले चलोगे मुझे उसके पास? ले चलूंगा। मुझे जानते हो? कार्लोस को दो तरह के आदमी ढूंढते हैं, एक उसके दुश्मन, दूसरा CID। कल सुबह मिलना मुझे जेट्टी पर, मैं वहां पे जरूर पहुंचूंगा। जरूर मिलूंगा तुम्हें। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, शक्ल से तो दिख रहा है, लेकिन ये खतरा मोल क्यों ले रहे हो तुम? सर, मुझे बदला लेना है सर, कार्लोस से। सर, मगर उससे टक्कर लेना आसान बात नहीं है सर। लेकिन तुमने मुझे तुम्हारा नाम नहीं बताया। मेरा नाम रॉस्टिन है सर, रॉस्टिन। देखो, तुम चुपचाप मुझे कार्लोस को दिखाओ और चले जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। सर, अगर उसे पता चल गया तो सर मेरी तो लाश निकलेगी ना। इतने खतरनाक लोग हैं वो? जी सर। कहाँ पे आने वाला है वो? सर, शायद यहाँ से जाने वाला है। यहाँ से जाने वाला है वो? सर, वो दो बोट। सर, वहां से जाने वाला है। इन दो बोट में से? जी सर। कितने बजे? सर, टाइम हो गया उसके आने का। सर, मैं जाता हूँ। अरे एक मिनट रोस्टेड, कार्लोस को पहचानूंगा कैसे मैं? सर, वो हमेशा सफेद रंग का हैट पहनता है सर। सफेद रंग का हैट पहनता है, जॉर्ज कार्लोस। Thank you.
कार्लोस। रॉसलिन तुम यहां? ये प्लान था। शक्ल से तुम सीआईडी वाले इतने बेवकूफ नहीं लगते, मगर अंदर से तो पोपट ही निकले। गन नीचे करो एसीपी, वरना सारी की सारी गोलियां घुस जाएंगी। ऐसी गलती तो कई लोग कर चुके हैं पहले, समझे कार्लो? बाद में उन्हें पता चला कि एसीपी प्रद्युमन की गन से निकली हुई गोली कितनी तेज निकलती है। मारना है ना तो चला गोली, मरने से पहले तुम सबको साथ में लेके जाऊंगा। चोचे, इस एसीपी की नाक हमेशा आसमान छूती है, डाल दे इसमें, मार दे गोली। सर, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? फ्रेडी, 2 दिन हो गए एसीपी साहब को गोवा गए हुए, अभी तक कोई फोन वगैरह कुछ नहीं। पहले कहीं भी जाते थे हर घंटे फोन करके खबर लेते थे। अगर मैं मरा तो विजय जिंदा वापस कभी घर नहीं आएगा, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है, मैं गन नीचे रख रहा हूं। देखा, मैंने कहा ना, फोन किए बिना चैन नहीं पड़ता उन्हें। नाम लिया और एसीपी साहब का फोन आया। हेलो सर, अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। हेलो, सामने से कोई कुछ बोल नहीं रहा, लगता एसीपी साहब ने गलती से नंबर लगा दिया मेरा। अरे, इसने तो 1 सेकंड में ही नाक रगड़ दी। क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मौत से सबको डर लगता है, फिर चाहे वो एसीपी प्रद्युमन ही क्यों ना हो। तू तो बहुत जल्दी भीख मांगेगा अपनी जिंदगी की। अगर टाइम होता ना तो हम आपको काजू खिलाते, फेनी पिलाते, मगर क्या है ना, ज्यादा देर तक एसीपी प्रद्युमन को जिंदा रखना ठीक नहीं है। क्या चाहिए जल्दी बताओ क्या चाहिए? ज्यादा छटपटा मत एसीपी। करना क्या है एसीपी का? करना क्या है, गोवा के मछलियों के हवाले कर देते हैं, बातें करता रहेगा। इसे मारकर इसकी लाश उठाकर समंदर में फेंक दो। सर, एसीपी साहब की जान को खतरा है सर? नहीं, एसीपी साहब को कुछ नहीं होगा। हम अभी के अभी गोवा चलते हैं, मैं अभिजीत को फोन करता हूं, तुम बाकी सबको खबर कर दो। हेलो, पहले विजय गायब हो गया और अब प्रद्युमन, पता नहीं क्या हुआ होगा दोनों के साथ। ये बात सोच सोच के हम लोग भी काफी परेशान हैं। अच्छा, एसीपी साहब कहाँ ढूंढने के लिए जाने वाले थे विजय को, कुछ बताया उन्होंने आपको? म्यूजिक शिप पर जाने वाले थे प्रद्युमन, वहीं पे जॉर्ज कार्लोस आने वाला था। जॉर्ज कार्लोस म्यूजिक शिप पे आने वाला था, हो सकता है उसे एसीपी साहब के बारे में पता चल गया हो और एसीपी साहब उन लोगों की जान में फंस गए। सर, हम लोग उस म्यूजिक शिप में जाके देखें। नहीं भाई, अगर हम लोग वहां गए तो उन लोगों को हमारे बारे में भी पता चल जाएगा। हमें जो कुछ भी करना है छुप के करना है, फिर दूसरा रास्ता निकालना होगा। शुरुआत के लिए हमें एक एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ेगा। जॉर्ज कार्लोस के लोग हम पर नजर रखे हुए होंगे। कार्लोस ये भी जानता है अगर उसने एसीपी साहब को हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब हमें कैसे भी करके सबसे पहले एसीपी साहब को ढूंढना है। लेकिन सर, एसीपी साहब को ढूंढेंगे कैसे? वैसे ही जैसे हम खूनियों को ढूंढते हैं, एक एक सबूत और एक एक सुराग इकट्ठा करके। और इस वक्त हमारे पास ये सुराग है, ये विजय की दी हुई अंगूठी। एसीपी साहब को विजय ने ये अंगूठी दी, उन्होंने अंगूठी क्यों भेजी ये पता करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि इस अंगूठी में कोई सुराग है? हाँ, हो सकता है।
कोई पहाड़ी बनी है और इसके ऊपर बॉस का निशान है सर। अरे नीचे यहाँ पे ये सीधे सीधे 11 लाइंस बने और एक लाइन पे ये सर्कल किया गया। चलो कुछ तो हाथ लगा है। ऐसा लगता है ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पहाड़ी के ऊपर चर्च बना हुआ है। यहाँ पे रहने वाला कोई भी आदमी बता सकता है। सचिन जरा आसपास पता करो। वेरी गुड संतराम, हमें ये बताओ यहाँ पे कोई ऐसी जगह जहाँ पे पहाड़ी पे चर्च हो। हाँ सर है ना, रोजरी चर्च और माउंट चर्च। माउंट चर्च तो बंद रहता है, पुराने गोवा में है दोनों। माउंट चर्च हो सकता है अगर वो बंद रहता है तो मैं माउंट चर्च लेके चलो। वहां पहुंचने में तो सुबह हो जाएगी सर। अरे सुबह हो या शाम, आप चलो लेके चलो। सर ये रहा माउंट चर्च। देखो क्या पता चलता है यहाँ पे। ये तो बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा कि उस नक्शे पर बना हुआ है जो हमारे पास है। हाँ सचिन बिल्कुल वैसा ही है, और यहाँ से तो पूरा गोवा दिखता है। ये विजय हम लोगों को और क्या बताना चाहता था? सर हमें एक बार रोजरी चर्च पे जाके देखना चाहिए, शायद वहाँ पर कुछ हो। एक मिनट वो क्या है? ये तो वैसे ही जैसे इस नक्शे में बना हुआ है। अरे हाँ बिल्कुल वैसे ही। सर ये सेंट ऑगस्टिन चर्च है, सैकड़ों साल पुराना। अच्छा ठीक है चल के देखते हैं वहां पे क्या है। ऐसी जगह का नक्शा क्यों बनाया होगा विजय ने? कुछ तो होगा यहाँ पे, वैसे काफी शांति है जगह में। ऐसा लगता है कभी कभी यहाँ आके थोड़ी देर बैठना चाहिए। यहाँ पे जो चर्च था उसमें आग लग गई थी इसीलिए ये टूट के गिर गया था। छः सात आठ नौ दस ग्यारह। अभिजीत यहाँ पे ये 11 कवर बने हुए हैं, उस नक्शे में भी 11 लाइन जैसे कुछ हैं और इस 10वें लाइन पे सर्कल बना हुआ है। अब इस 10वीं कवर पे कुछ है जिसके बारे में विजय एसीपी साहब को बताना चाहता था। इन कवर का पत्थर तो ऐसा लग रहा है तो सालों से यहाँ पे है, हाल फिलहाल का नहीं है और ना ही कोई छेड़छाड़ की गई है इसके आसपास। तो सर इस पत्थर को देख के लगता है किसी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। पत्थर पे जो शेर बना हुआ है जो दीवार चाट रहा है, क्या हो सकता है? शेर
काम करते हैं, आसपास चेक करते हैं। इस शेर या इस सिंबल से मिलता जुलता कोई चीज है क्या यहाँ पे? शायद उसमें कुछ हो। ये देखो, ये पत्थर देखा? यहाँ पे शेर का निशान है। ऐसा लगता है इस पत्थर पे कुछ है। काफी भारी लगता है पत्थर। इसको नीचे से उठाते हैं। अरे, ये पत्थर उतना भारी है नहीं जितना दिखता। क्या खोखला है अंदर से? हाथ लगाओ जरा। ये क्या? मतलब ये जॉर्ज कार्लोस ड्रग्स का धंधा करता है, शायद इसीलिए विजय इसके पीछे लगा हुआ था। क्या एमएम से? अगर तुम इन लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो ड्रग्स लेके काउंसलेट स्टेप्स पे आ जाओ, नहीं तो समझदार को इशारा काफी है। तेरा इशारा तो समझ गए जॉर्ज कार्लोस। फ्रेडी, हम लोग ऊपर जाके देखते हैं, तब तक तुम यहीं बैठना, लोग खतरनाक हो सकते, संभाल के। यस सर। तक ऐसे भी सब मिल नहीं जाते हैं, उन्हें ये ड्रग्स नहीं देना है। ऐसे भी सर, ready?
क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुछ लगा तो नहीं आपको? ठीक हो तुम? क्या हुआ? ठीक हूँ सर, पता नहीं सर कहाँ से दो लोग आए, उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर फेंक दिया सर और ट्रक की बैग उठा के लेके गए, उस तरफ गए सर। बात के जाएंगे कहाँ? साहब तो यहीं पे थे। हाँ मेरे, एक काम करो, चारों तरफ ढूंढो, देखो कहाँ है सर। एक काम करो, तुम बैठो यहाँ पे, आराम करो, बैठो। मैं आता थोड़ी देर में। हाँ सर। अच्छा सचिन, क्या हुआ इसी साथ का? सर जैसे ही हम फ्रेडी के पास जा रहे थे, मैंने पीछे पलट के देखा तो एसीपी साहब गायब थे। क्या? हाँ सर। ये चक्कर है, एसीपी साहब को दिखा के ड्रग्स को छीनने का प्लान था उनका। सर, अविवेक, एसीपी सर का मोबाइल। सर का मोबाइल यहाँ पे? हाँ सर। तो मौसम कार्ड निकाल दिया गया है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि एसीपी साहब ने जानबूझ के किया हो ऐसा? सर शायद इसमें कोई मैसेज हो हमारे लिए। हो सकता है, देखते हैं। एक फाइल है इसमें। ये क्या, आधा डूबा हुआ जहाज? लेकिन सर आधे डूबे हुए जहाज की फोटो एसीपी सर क्यों छोड़ के जाएंगे? एसीपी साहब बिना बात के कोई काम नहीं करते हैं। इस आधे डूबे हुए जहाज के बारे में पता करते हैं। यहाँ के किसी लोकल आदमी को पता होगा इस डूबे हुए जहाज के बारे में। इस आदमी से पूछते हैं। भाई साहब, ये आधा डूबा हुआ जहाज इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कहाँ पर है ये गोवा में? ये तो पुराना गोवा में है सर, सुनसान इलाका है। दीवार, दीवार फेरी के पास। दीवार फेरी के पास, ठीक है, थैंक्स, चलो। दीवार फेरी। अगर गोली चलानी पड़े तो संभाल के चलाना, किसी भी साहब भी उनके साथ में है। ये देखो, आधा डूबा हुआ जहाज। लेकिन सर यहाँ पे और तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सचिन, वो देखो वहां पे कुछ है। सर ये तो एसीपी साहब का जूता है सर। सचिन, छोटी बोट लेके जाओ और वो जूता निकालो, देखते हैं क्या है इसमें। तो लगता है एसीपी साहब को कुछ कर दिया उन लोगों ने, इसीलिए यहां पे जूता टांग के रखा है। नहीं फ्रेडी, उन लोगों ने एसीपी साहब को कुछ नहीं किया। एसीपी साहब ने ये जूता हमारे लिए छोड़ा है। ये देखो, 4-8 गैलरी। पता करते हैं ये 8 गैलरी क्या है।
ध्यान से देखो, फैल जाओ। जॉर्ज कार्लोस, मतलब सर जॉर्ज कार्लोस ड्रग माफिया का बॉस एक कलाकार भी है। शायद इसीलिए सिप साहब ने हमें यहाँ पे भेजा है। यहाँ से पता चलेगा इस जॉर्ज कार्लोस के बारे में कि वो कहाँ है। एक्सक्यूज मी। यस। हम लोग सीआईडी से हैं मुंबई। सीआईडी से क्या हुआ? ये इस पेंटिंग में कुछ छुपा हुआ है क्या? पेंटिंग के अंदर छुपा हुआ? पेंटिंग तो पेंटिंग होती है। फिर भी हम इस पेंटिंग को उतार के देखना चाहते हैं। देख लीजिए कजन, पेंटिंग उतार के लाओ। इस पेंटर का नाम लिखा है इस पेंटिंग में, उससे बात हो सकती है? नंबर वगैरह तो होगा ना? नहीं। तो फिर ये पेंटिंग यहाँ कहाँ से? पता नहीं। पता नहीं मतलब ये पेंटिंग क्या अपने आप चल के आई यहाँ पे? सर हर बार कोई ना कोई लेके आता है। जॉर्ज कार्लोस को कभी देखा नहीं। महीने में एक ही बार एक पेंटिंग आती है। और ये पेंटिंग खरीदता कौन? एक ही है खरीदने वाला, उसके अलावा कोई नहीं खरीदता। हर बार ये पेंटिंग वही खरीदता? हाँ हर बार वही। कौन है वो? खुद ही देख लेना, आज आ जाएगा खरीदने वाला। चलो देख लेते। किस में पैसे हैं? पेंटिंग मेरी गाड़ी में रखवा दो। ये पेंटिंग बिक चुकी है। किसने खरीदी? मैंने। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। ये पेंटिंग और टर्म दोनों मुंबई सीआईडी के गिरफ्त में हो। सीआईडी? जॉर्ज कार्लोस कहाँ है? मुझे नहीं पता। कार्लोस कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता सर। मेरा काम सिर्फ पेंटिंग ले जाना है। पेंटिंग से ही पता चल जाता है कि ड्रग्स की डीलिंग कहाँ होने वाली है। पेंटिंग में फोड़ा घोड़ा बना हुआ है, मतलब फोड़ा घोड़ा पे ड्रग्स की डीलिंग होने वाली है। काम करो, ये गोवा पुलिस के हवाले करो। अब समझे एसीपी, जॉर्ज कार्लोस नाम का कोई भी आदमी नहीं है। ये हमारा ड्रग्स डील करने का तरीका है। अभी और क्या चाहिए तुम्हें?
ड्रग्स तो मिल गए ना? सिर्फ ड्रग मिलने से क्या होता है, सांप का जहर निकाल दो, थोड़ी देर बाद उसका जहर फिर से तैयार हो जाता है। तेरी मौत जरूरी है। अच्छा, तो भी देर किस बात की, चला गोली। एक बार इन ड्रग्स का सौदा हो जाने दे, तेरे मौत के ड्रामे के डायलॉग मैं खुद लिखूंगा। तो मैं मदद करूं? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, सिर पे मौत मंडरा रही है मगर एसीपी के चेहरे से मुस्कान हटी नहीं। मौत, मौत के साथ तो हम सीआईडी वाले दिन रात खेलते हैं, समझे बच्चे? तो फिर ले, हिम्मत है तो चला गोली, चला। प्रद्युमन, सॉरी यार, मेरी वजह से तू भी फंस गया। सॉरी मत बोल दोस्त, देख तुझे जिंदा देखकर मैं खुश हूँ। श्वेता, तुम कैसे फंस गई इसमें? नादान है बेचारा एसीपी। नादान तो तुम हो बच्चे, क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे इन हाथों में लिखी है। तुझे कहा था ना, जबान मत चला। चल। बोल दे अपने ऑफिसर्स को, वरना कुत्ते की मौत मरेगा तू। अरे कुत्ते की मौत तो तू मरेगा रोशन, जब दया और अभिजीत आएंगे तब, समझे? छोड़ दे एसीपी साहब को, तेरे खोपड़ी में छेद कर दूंगा। मैं अगर मरूंगा तो एसीपी को साथ लेकर मरूंगा। दया इसकी बात मत सुनो, चलो गोली दया। जाने तो इसे, पीछे हट जाओ। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मगर एसीपी साहब को छोड़ दो। दया गोली चलाओ। कोई मेरे पास बताना। रोशन,
पीछे मत हटना। मेरी बात सुन, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। रॉस्टिन मेरी बात सुनो। कोई मेरे पास आया तो मैं कूद जाऊंगा। मेरी बात सुनो रॉस्टिन। मैं कूद जाऊंगा। पीछे मत हटना रॉस्टिन। मैं कूद जाऊंगा, देखो आगे नहीं बढ़ो। मेरे पास बताना, कोई मेरे पास बताना। अभिजीत! अभिजीत!